नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद प्रोडक्ट। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज है 19 अगस्त और टाइम हो रहा सुबह के 6:30 बजे का, मार्केट ऑफ है। बट मुझे लगता है कि एक शेयर है जिसके अंदर आपको बाय करके पैसे बने रहेंगे तो ये मल्टीबैगर भी होगा आपके लिए और आपको अच्छे रिटर्न देगा। तो ये मैं कंपनी की वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो कंपनी का नाम है सारिका इंटरप्राइजेस लिमिटेड। कंपनी का नाम है सारिका इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो कंपनी क्या करती है ये समझते हैं पहले। तो कंपनी वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन का काम करती है, ठीक है। तो कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, ठीक है। अब समझते हैं कंपनी का क्या है, कंपनी क्या वर्क और क्या सॉल्यूशन देती है कंपनी की, तो ये समझने का बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, कंसल्टेंसी वैल्यू एडेड सर्विस, यानी कि ये कंसल्टेंसी का वर्क भी करती है कंपनी। तो सॉल्यूशन में जो देती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसल्टेंसी का काम देती है, ये सॉल्यूशन देती है इंजीनियरिंग के अंदर। देखिए, आप देखते हैं कि ये DMRC की ये यहाँ पे इमेज इन्होंने क्रिएट कर रखी है। इन्होंने जो फेज़ वन और फेज़ टू की जो सप्लाई होती थी पावर सप्लाई अंडरग्राउंड के अंदर, तो उसमें मेट्रो को सॉल्यूशन दिया था और पावर सप्लाई का इलेक्ट काम किया था इन्होंने, ठीक है। और ये किसमें, एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन में काम करती है, ठीक है। LED लाइटिंग का सॉल्यूशन देती है कंपनी। ये ट्रांसफार्मर होते हैं ना जो हमारे आसपास दिखते हैं आपको, बिजली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफार्मर जो बनते हैं, उसका भी सॉल्यूशन देती है कंपनी, ठीक है। और इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो अब ट्रेंड की तरफ इस टाइम पर चल रहा है और फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, सोलर सिस्टम की, यानी सोलर एनर्जी को लेके गवर्नमेंट अग्रेसिव है और मोस्ट ऑफ द कंपनियां सोलर सिस्टम को वो कर रही है। तो ये कंपनी सोलर सिस्टम का बनाती है, PVC बनाती है सोलर सिस्टम की। तो ये बेस्ट पार्ट है कंपनी के अंदर कि कंपनी के इतने सारे वेंचर चल रहे हैं, ठीक है। और कंपनी बांध द्वारा बिजली भी बनाती है, ठीक है। कंपनी यानी कि 6-7 काम की वर्किंग है, ठीक है। तो ये कंपनी के सॉल्यूशन है, कंपनी इन 6-7 चीज़ों में सॉल्यूशन देती है। तो ये सब चीज़ें ना हमें समझनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का सॉल्यूशन है, ये सब चीज़ों में कंपनी सॉल्यूशन देती है, ठीक है। PVC बेस्ट है सोलर सिस्टम का काम करिए, सोलर आप समझ सकते हैं सोलर सिस्टम की डिमांड कैसे कैसे डे बाई डे बढ़ रही है और सोलर सिस्टम का वर्किंग भी अच्छा है। तो कंपनी जो क्या है, बेसिकली कंपनी का काम क्या है, ट्रांसफार्मर बनाना और सॉल्यूशन देना, कंसल्टेंसी करना, बिजली सप्लाई करना, ठीक है। तो ये कंपनी का काम है। और इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है, ट्रांसफॉर्मर बनाती है, तो ये सारा काम है कंपनी का। इलेक्ट्रॉनिक में भी है जनरेट करने का उसमें। तो ये तो ओवरव्यू हो गया कंपनी का कि कंपनी करती क्या है, ये मोटा मोटा है। बाकी आप कंपनी वेबसाइट पर जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद, क्योंकि वी आर लाइक ए इन्वेस्टिंग नॉट अ ट्रेडर। तो हम इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से शेयर देते हैं, ना कि ट्रेडिंग के पर्पज़ से, क्योंकि हमें अपने पैसे को मल्टीप्लिकेशन पे लाना है, ना कि एक दिन दो दिन के अंदर, नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से हम बाय करेंगे। आप समझते हैं सारी के एंटरप्राइजेस में और क्या डाउनफॉल आएंगे, क्या अप मूव आएंगे, क्या सही समय से बाय करना है, ये भी समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी मैंने गूगल पर ओपन कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये बस ओनली BSE पर रजिस्टर्ड है, तो BSE के अंदर हमें बाय करके बैठना होगा इसके अंदर। तो ये अभी जो कल की डेट में इसने, ठीक है, यानी कि 18 अगस्त को इनने जो क्लोजिंग मारी है, इनने मारा है 5.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग मारा है, 10 रुपये 80 पैसे पे क्लोज करा हुआ है। तो ये देखिए, समझते हैं। तो ये ओपन होता है 11 रुपये 50 पैसे पे, हाई मारता है 11 रुपये 85 पैसे का, लो मारता है 11 रुपये 10 पैसे 50 पैसे का, ठीक है, इसी पे क्लोज हुआ। और देखिए इसका 52 हाई है 33 रुपये 58 पैसे, 52 लो है 10 पैसे, यानी कि अपने 52 लो के पास है, यानी कि अपने 52 लो के पास चल रहा है इस टाइम पर शेयर। मार्केट कैप अच्छा है, अब और चल समझते हैं इसके अंदर। अब मैं सारिका की ये पहले समझते हैं मार्केट कैप कितना है। सारिका एंटरप्राइजेस का मार्केट कैप है 46 करोड़ रुपए का, ठीक है। इसका करंट, इसका बिग वैल्यू अभी फेस वैल्यू बता रखा है बस ओनली 5 रुपये, बाकी चीज़ों की अपडेट नहीं है। कंपनी की पैनी स्टॉक भी कह सकते हैं इसको आप, मल्टीबैगर भी आपका ये हो सकता है। आप समझते हैं इसके अंदर कंपनी के क्वार्टर बाई कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, वही समझते हैं। तो ये देखिए, मार्च के अंदर इसने इस जून क्वार्टर इसने सेल्स करी है ओनली 4.82 करोड़ रुपये की, सेल करी ने 4.82
और इसके एक्सपेंस थे। इसका नेट इसका प्रॉफिट जो आया था 1,72,00,000 रुपये का आया था, 1,72,00,000 का प्रॉफिट आया था, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट इसका आया है 1,35,00,000 रुपये का सर नेट प्रॉफिट आया। ये तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया, तो ये कंपनी का नेट प्रॉफिट चल रहा है 1,00,00,000। एक मिनट, कंपनी का नेट प्रॉफिट चल रहा है 1,72,00,000 रुपये का। तो कंपनी का ईपीएस भी अप ट्रेंड हुआ है पिछले क्वार्टर से, तो प्रॉफिट में आई है कंपनी। पिछले मार्च यानी ईयर वी ईयर में देखेंगे तो प्रॉफिट हुआ है कंपनी, और पिछले मार्च क्वार्टर से लो में यानी माइनस में है कंपनी। यानी जनरेट किया था प्रॉफिट, वो कम जनरेट किया है पिछले क्वार्टर मार्च 2021 से लेके 2000 जून के अंदर ने प्रॉफिट रेवेन्यू कम जनरेट किया है, बट जून उसके अंदर इसने प्रॉफिट दिया कंपनी ने, ठीक है। अब ईयर ईयर वाइज समझते हैं, ये देखिए ईयर ईयर देखिए आपने, हम 2020 के अंदर देखिए इसने 27 इसका रेवेन्यू जो था यानी कि 27 सेल जो इसने की थी 27,00,00,000 की सेल की थी, वही मार्च के अंदर इसने 49 यानी 50,00,00,000 के आसपास की सेल करी थी। तो ये ईयर ईयर वाई भी अच्छा अप ट्रेंड की तरफ है। और देखिए कंपनी का क्या है ना, कंपनी फीचर समझने, कंपनी किस फीचर पर डिपेंड कर रही है, ये तो कंपनी की सेल्स जब भी होगी, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होगा, कंपनी का मैनेजमेंट यानी कंपनी का वो वर्किंग एरिया वो अच्छा है। कंपनी कंसल्टेंसी का सॉल्यूशन देती है इंजीनियरिंग के अंदर, ये बेस्ट पार्ट है कंपनी के अंदर। तो ये तो भाई ईयर ईयर वाई हो गए, जितने का इसका मार्केट गया वो उतने सेल मारी थी, ठीक है। तो पिछले 2021 मार्च के अंदर इसने अच्छे रिजल्ट दिए थे, ईयर ईयर वाई भी देखेंगे आप तो ये देखिए ईयर ईयर वाई भी प्रॉफिट में था कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग थी, ठीक है। तो अभी हो गया मैं सारी क्या क्या, अब मनी कंट्रोल के साइड पर आ गया। ये देखिए ओवरव्यू समझा देता हूँ मैं आपको, यानी कि एवरी ईयर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग चल रही है, ऐसा नहीं है कि 2017 से लेके कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और अभी मेरे को लगता है कि इसमें और भी प्रॉफिट है जिस तरह से कंपनी काम कर रही है। अब इसमें सही समय है या नहीं बाय करने की और समझ लें चार्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है, ये देखिए चार्ट पे भी ब्रेकआउट आने को तैयार है, क्योंकि ये अपने 10 रुपये से नीचे नहीं जा रहा है, तो हमें 9 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करना है। और ये फ्यूचर में हमें अच्छे अप मूव आएंगे इसके अंदर, क्योंकि कंपनी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है, और कंपनी जो गिरावट होनी थी 52 लो के पास चल रहा है, तो अब इसमें जो भी क्योंकि 3 बार ये कंपनी 10 रुपये अपने 10 रुपये के लेवल को टच करके आई है, अभी लास्ट 2 वीक के लास्ट 3-4 दिन के अंदर 10 रुपये के नीचे नहीं गई है, इसने अपने 10 रुपये टच किया है। ये देखेंगे आप, ये आप 12 अगस्त को इन्हें दोबारा टच किया था, 10 अभी ये 16 अगस्त को भी किया था, बट अब मुझे नहीं लगता कि इसमें 10 रुपये से नीचे जाएगा, क्योंकि 10 रुपये पर बाबा इसमें अच्छी सपोर्ट लगी हुई है, तो डेफिनेटली इसमें बाय करेंगे और पैसे साथ बने रहेंगे, इसमें काफ़ी अप मूव आएंगे और ये आपको मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। तो जितनी इसमें गिरावट उतनी हो चुकी है, अब इसको हम पेशेंस साथ बाय करेंगे और इस शेयर में मल्टी बैगर बन सकते हैं, शेयर ये शेयर हमारा मल्टी बैगर भी बन सकता है, क्योंकि कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी का यानी कि आप समझ सकते हैं क्वार्टर वाइज भी रिजल्ट अच्छे दिए हैं, और ईयर वीयर मुझे लगता है कि जो अब 2022 का रिजल्ट आएगा उसमें भी अच्छे रिजल्ट देंगे। तो बस हमें छोटी क्वांटिटी के साथ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए शेयर को और बाय करके बैठना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।